हे एवरीवन, तो ये है हमारे एलोवेरा के प्लांट्स। देख सकते हो एक प्लांटर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स निकल के आ गए हैं। ये हमारे एक प्लांट से इतने सारे प्लांट बन चुके हैं, और ये ज़्यादा प्लांट होने की वजह से इन्हें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही है, इनकी मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, तो ये सूखने लगे हैं। तो इसलिए आज हम इनको निकालते हैं। हमने इनको प्लांटर में से निकाल के अलग कर दिया है, क्योंकि हमें इनको दोबारा से लगाना है जिससे ये अच्छे से ग्रो हो सके। इसलिए मैंने सारे प्लांट्स को निकाल दिया है, और हम गमले को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो पूरे गमले में फैल चुकी हैं, इसलिए ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे थे, और ज़्यादा थे इसलिए ये ग्रो नहीं कर रहे थे। तो हम इन्हें अब अलग अलग लगाएंगे जिससे कि अच्छे से ग्रो कर सकें। एलोवेरा का यूज हम सभी आजकल अपनी डेली लाइफ में तो करते ही हैं, लेकिन स्किन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, मैंने इन सबको निकाल के अलग कर दिया है, और यदि आपको चाहिए तो आप भी ले सकती हो मुझसे। बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं कुछ को ग्रो करूँगी एंड कुछ से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी। ये देखो आप, मैंने इसमें पत्ते डाल दिए, अब मैंने इनको लगा दिया है, और ये हमारे 3 से 4 दिन बाद का रिजल्ट है। ये बहुत अच्छे से हरे भरे हो गए हैं, क्योंकि एलोवेरा में कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। एक प्लांट से ये बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 4 दिन के बाद का रिजल्ट है, और बहुत ही अच्छे से हरे भरे हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।